गया जिले के उतरावा गांव का एक युवक पिछले 33 महीनों से गायब है और उसके परिजन उसे ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। गायब युवक दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। युवक 22 जनवरी 2010 को दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग के लिए गया था और उसकी पोस्टिंग दरियागंज थाने में होनी थी, लेकिन 3 मई 2015 के बाद से युवक का कोई पता नहीं है। 3/5/15 को बेटा से बात हुई आखिरी बार, उसके बाद संपर्क नहीं हुआ। हम लिखते लिखते थक गए, कोई नहीं सुना। जब हम राष्ट्रपति महोदय महामहिम राष्ट्रपति को जब एक एप्लीकेशन दिया हूँ जिसमें मैं ये मांग किया हूँ कि उत्तम जीवित है या मृत हमको ये बताया जाए, तो उस आवेदन पर पहाड़गंज पुलिस ने FIR लॉज करके मेरे की यहाँ बाई पोस्ट से भेजवा दिया है। वैसे ही तो हम जान रहे हैं नहीं, कोई संपर्क नहीं है आज तक। वो दिल्ली पुलिस में SI था, वो पहाड़गंज में पोस्टिंग था, उसकी पहाड़गंज से बदली हुई थी दरियागंज थाना जो 3/5/15 को, उसने ही बताया था कि हमारी बदली हो गई। मैंने पूछा ज्वाइन किया तो संडे कल ज्वाइन करेगा। दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग में गया था उसके, मेरे पास है 22/11/2010 को ट्रेनिंग सेंटर में गया था चयनित होने के बाद। हमको पता ना है, शायद लोकनायक चौकी में तू था, दिल्ली में लोकनायक हॉस्पिटल है वहीं पर ही पुलिस चौकी है, उसमें उसकी पहली पोस्टिंग हुई थी। ऐसे 3/5/15 से मेरा बेटा, पता है आपको कोई बातचीत नहीं हुआ है, मेरे कम कुछ ही जानकारी हुई है तो हमें DCP SH वेलकम में लिखे, उसके बाद यही रजिस्टर हुआ है कि आपका मिला हुआ पत्र अथी हो गया, उसके बाद यहाँ आता है लिख पढ़ के ले जाता है, उसके बाद हमको कोई जानकारी नहीं अभी तक दिया। हमको बेटा चाहिए। हाँ पहले फोन से बात होता था, लेकिन वेलकम पुलिस बताई कि आपका लड़का यहाँ काजरत नहीं है, तो उसने आया जाया कभी दरियागंज थाना कभी पहाड़गंज से लिखा पढ़ी करके ले गया, आज तक कुछ हम लोग को बताया नहीं। हम लोग व्याकुल हैं, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम दिल्ली जा सकते हैं उसको खोज सकते हैं। हम नहीं गए, हमको बहुत सीरियस तबीयत खराब था, अब तो आंख बनाए से नहीं गए हैं। नहीं, पुलिस नहीं बता रहा है, वो तो राष्ट्रपति के यहाँ लिखे गए हैं, ये उस पर FIR हुआ है। 2015 के बाद जब बेटे का कोई पता नहीं चला तो परिजन दिल्ली पुलिस के पास गए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपने ही सब इंस्पेक्टर के गुमशुदगी का मामला तक दर्ज नहीं किया, जिसके बाद परिजनों ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री समेत हर जगह गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पंजाब केसरी TV के लिए गया से अजीत कुमार की रिपोर्ट।